आज हम लोग करने वाले हैं Vivo Y20T में BGMI बैटरी डेंटेज एंड इस फिलहाल मैंने स्मार्टफोन को 100% चार्ज कर दिया है। मैं कोशिश करूंगा इस 100% को 0% नहीं तो 50% तो एटलीस्ट लेके आने का एंड देखते हैं भाई 100 या फिर 50 कितने देर में होता है। सो गाइस लेट गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, मैं नाम उनकी तरफ देखते हो टेकी अनबॉक्सिंग चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे टेकी अनबॉक्सिंग यूजर नेम है। चैनल पे जाओगे तो आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे प्राइसिंग का बात करें तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट में आप परचेस कर सकते हो 6GB रैम विद 64GB वाला वेरिएंट 15,500 रुपीज में आपको मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को फुल एंड तक देख लेना। यहाँ पे डिस्प्ले का बात करें तो IPS LCD 6.1 इंचेस के साथ में आता है एंड 15,000 का रेंज में अगर देखा जाए तो IPS LCD तो ठीक है भाई भाई, लेकिन ये पंच होल भाई एकदम सूटेबल नहीं है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। एंड दूसरा बात भाई, ये आपका 60Hz का रिफ्रेश रेट पैनल के साथ में आता है, तो वो भी एक चीज ना मेरे को अच्छा नहीं लगता भाई। 15,000 का फोन है, कम से कम आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट या फिर 90Hz का रिफ्रेश रेट तो एटलीस्ट देना चाहिए। और यहाँ पे टच सैम्पलिंग रेट भी यहाँ पे कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं किया है। एंड मैं अगर प्रोसेसर का बात करूँ तो 15,000 के अराउंड में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 662 ऑफर करता है, जो कि बहुत बोरिंग प्रोसेसर है। 11 नैनोमीटर का चिपसेट है, तो गेमिंग में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। 6GB का रैम है, 1GB और आप एक्सटेंड कर सकते हो वर्चुअल रैम है। एंड हाँ, इसमें आपको 5000 mAh बैटरी मिलता है। लेट्स सी भाई, अब देखते हैं रियल लाइफ में कैसा परफॉर्म करता है। एंड हाँ भाई, बेंचमार्क देख लो, मैं बोलने भूल गया। तो यहाँ पे देख लेते पबजी कितने देर में खोल के देता है। 3, 2, 1, go। तो सेम टाइम में मैंने दोनों में क्लिक कर दिया है। जब तक खुलता है तब तक टेम्परेचर का बात कर लेते हैं। रूम का टेम्परेचर 27 है एंड जो स्मार्टफोन है अभी वो 30 आपको देखने को मिलता है, तो ज़्यादा गर्म नहीं है। एंड मेरे को कसम से लगता है बहुत ज़्यादा, मतलब कि 30-35 सेकेंड तो लग जाएगा आराम से इसको पबजी खोलने में। ओ भाई, लगभग यहाँ पे 52 सेकेंड लग गया पूरा का पूरा पबजी लोड करने में। इसमें भाई एक छोटा सा अपडेट था 3MB का, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वो तो ऐसे हो गया। लेकिन भाई मतलब समझो कि कम से कम 50 सेकेंड लगा आपको पबजी लोड करने में। 15,000 के फ़ोन में भाई अगर ऐसा रिजल्ट होगा तो भाई बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। 15,000 के फ़ोन में तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकाल के देने वाला में से रहता है। वैसे BGMI खोलने में तो बहुत लेट लगाते हैं। एक चीज़, अभी मैं फ़ोन को उठाता हूँ तो काफ़ी लाइट वेट लगता है। दो तीन चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। गेम प्ले स्टार्ट होने से पहले ब्राइटनेस फुल रहेगा एंड बैकग्राउंड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चलते रहेगा एंड यहाँ पे वॉल्यूम भी फुल रहेगा। फटाफट सेटिंग्स का बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जायरोस्कोप देखने को मिलता है, तो यहाँ पे मैंने ऑलवेज ऑन जायरोस्कोप कर दिया है। इसके अलावा अगर मैं ग्राफिक्स में का बात करूं तो ग्राफिक्स में आप हाई में गेम प्ले कर सकते हो एंड बैलेंस में आप मीडियम में गेम प्ले कर सकते हो। एंड HD जो है सपोर्ट नहीं करता है भाई इस प्राइस रेंज में ना, आपको आराम से HD तो आराम से HD क्या HDR भी सपोर्ट करता है 15,000 के फ़ोन में, बट इसमें आपको नहीं मिलता है। तो जो मिलता है उसी में मैं सेटिंग बताऊंगा। स्मूथ में हाई में गेम प्ले करेंगे एंड देखेंगे कि कैसा गेम प्ले, स्मूथ है कि नहीं है, लैग कैसा फील करता है, फ़ोन कितना हीट होता है, सारा चीज़ बात करेंगे। तो मस्त एक TDM से स्टार्ट करते हैं सारा चीज़। तो सेटिंग मैंने आपको दिखाई दिया, वॉल्यूम भी यहाँ पे फुल कर ही दिया हूँ। एक TDM लगाते हैं, सिंगल स्पीकर है इस प्राइस रेंज में, अगेन डबल स्पीकर आपको आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे गेम प्ले स्टार्ट हुआ, टाइमर भी स्टार्ट कर दिया। भाई जैरो काफ़ी बेकार है, अगर आप एक जैरो प्लेयर हो तो बिल्कुल इस फ़ोन की तरफ मत देखना, क्योंकि भाई देखो मैं ऐसे किया ना कितनी देर बाद मतलब वो ऊपर होता है, तब तक तो भाई एनिमी आके ठोक के चला जाएगा और आप जो है देखते रह जाओगे। और दूसरा चीज़ है कि ग्राफिक्स भी आपको कुछ अच्छा नहीं मिलता है। आप जैसे फायर बटन है उसको आप देख सकते हो, एजेस वगैरह क्लीन नहीं है एंड यहाँ पे डिटेलिंग आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है इस प्राइस रेंज में, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। देखते भाई बाय द वे गेम प्ले वगैरह कैसा निकाल के देता है। अबे यार, मार 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 भाई, मार 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 मार, एकदम सही एक। अबे यार मेरे को क्या हो गया? अरे रे 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 रे, किधर है किधर है भाई?
ओहो विनर। पीछे ये पैर के पीछे दोस्त। सही है यार हैदराबाद। अबे गया यार। तो गाइस यहाँ पे टोटल 3 आवर 1 मिनट हो चुका है पबजी गेम प्ले करते हुए, बीजीएमआई गेम प्ले करते हुए। सबसे पहले बात करेंगे टेम्परेचर को लेके, तो भाई रूम का 27 है एंड जो स्मार्टफोन है वो आपका स्क्रीन के तरफ में 40 देखने को मिलता है हाईएस्ट, एंड पीछे के तरफ में भी आपको जो है 39 या फिर आप बोल सकते हो 40 आपको मिलता है मैक्स। मतलब एक चीज़ है कि ये स्मार्टफोन आपका 40 या फिर 39 से ऊपर नहीं जाता है। 3 घंटा में कंटिन्यू पबजी गेम प्ले इस स्मार्टफोन पे कर रहा हूँ। एंड अगर मैं बैटरी का बात करूँ तो मैं बैटरी भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बैटरी देख सकते हो 49% पे आ गया। जब हम लोग गेम प्ले स्टार्ट किया था तब ये स्मार्टफोन 100% चार्ज था, तो इस हिसाब से देखा जाए तो बैटरी तो काफी तगड़ा टिक रहा भाई। इस स्मार्टफोन का काफी अच्छा बैकअप है, मतलब कि 50% ऑन 3 आवर्स, मतलब और 3 घंटा ये स्मार्टफोन आराम से चलेगा। एंड इसके अलावा मैंने ब्राइटनेस फुल करके रखा था, यहाँ पे वॉल्यूम फुल था, बैकग्राउंड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चल रहा था, स्मार्टफोन ज़्यादा हीट भी नहीं हुआ था, काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन मतलब जैसे कि गेमिंग भी उतना बुरा नहीं है, आपको ज़्यादा लैग वगैरह नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ भाई 15,000 के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही ये ओवर प्राइस स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन का प्राइस अप्रॉक्स 10,000 होता तो फिर मैं आपको कंसीडर कर सकता कि हाँ भाई अगर किसी को पबजी की चाहिए 10,000 के अराउंड में तो इस स्मार्टफोन को आप देख सकते हो। लेकिन भाई 15,000 रुपया बहुत ज़्यादा महंगा है स्मार्टफोन के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको मार्केट में और भी बहुत सारे स्मार्टफोन्स अलग अलग ब्रांड के मिल जाएंगे जो आपको वैल्यू फॉर मनी होगा। तो हाँ मेरे तरफ से सजेशन वही है, बाकी तो आपने गेम प्ले वगैरह सब चीज़ देखा ही। अगर आपको वीडियो कहीं से भी अच्छा लगता है तो इस वीडियो कर सकते हो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे टेक इन बॉक्सिंग यूजर नेम है। एंड भाई ये सारे स्मार्टफोन्स को हम लोग खुद से परचेस करके आपके सामने एकदम ऑनेस्ट रिव्यू लेके आते हैं, एंड एकदम भाई ऑनेस्ट ऑनेस्ट वाला वीडियो है ये। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।